देखने का सौभाग्य मिल रहा है। ये सच में हमारे इंजीनियर्स की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, डिफेंस मिनिस्ट्री का एक बहुत ही नायाब, जिसे अचीवमेंट कहा जा सकता है, जो 9.9 किलोमीटर की लंबी, इतनी हाइट पर सबसे लंबी टनल बनी है। इस अचीवमेंट को देखने का मुझे आज सौभाग्य मिलेगा। हम सब जानते हैं कि हमारे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी का ये सपना था कि एक टनल इस तरीके से बने और जो भारत के डिफेंस के लिए भी एक मजबूत कड़ी का काम करेगा, और उन्होंने इसका नींव पत्थर रखा। बाद में फिर यूपीए की सरकार में कुछ लंबित पड़ गया, लेकिन जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने वॉर फुटिंग पर इस काम को शुरू किया, और आज ये हमारे डिफेंस के लिए और टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ी देन बनी है। मुझे बताया गया है कि लगभग 6 से 8 हज़ार व्हीकल्स प्रतिदिन इस टनल से क्रॉस करते हैं। यह लाहौल स्पीति का मेन स्ट्रीमिंग हुआ है, उसको मुख्य धारा में शामिल होने में मदद मिली है। आप और हम सब लोग जो लंबे समय से देखते आए हैं कि 6-6 महीने रोड बंद हो जाता था और लाहौल स्पीति सारे देश से कट जाता था, और हमारे डिफेंस को भी बड़ी दिक्कत आती थी सामान को भेजने में और बाकी सपोर्ट सिस्टम्स को मजबूत करने के लिए, लेकिन इस टनल के बनने के बाद हमारा बॉर्डर भी सिक्योर हुआ है, डिफेंस के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट फीट है, और इसके साथ साथ टूरिज़्म को भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है। मेरी शुभकामनाएं हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हज़ारों किलोमीटर की जो रोड्स बनाई हैं, ऑल वेदर रोड्स, उसने बॉर्डर को मजबूती प्रदान की है, और यह भी उसी में एक महत्वपूर्ण कड़ी रखता है।